अज असीं गल करांगे गुरद्वारा रामसर साहिब अमृतसर बारे। गुरद्वारा श्री रामसर साहिब जिला अमृतसर विच स्थित है। ये चाटी विंडगेट खेतर विच है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने इत्थे एक पवित्र सरोवर की खुदाई करवाई सी। श्री गुरु रामदास जी के नाम से इसका नाम रामसर साहिब रख्या सी। ये बहुत ही शांतमई स्थान सी। गुरु साहिब ने सरोवर के दक्षण वाले पासे अपना तंबू लगवाया सी। गुरु साहिब ने भाई गुरदास जी तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू इस जगह ते ही लखवाना शुरू किया सी। जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता हुई तो इसकी स्थापना श्री हरिमंदर साहिब विखे हुई सी। हुण अजोके समय विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई इत्थे ही हुंदी है। अमृतसर शहर विच स्थित होर प्रसिद्ध इतिहासिक गुरद्वारियां विचों गुरद्वारा रामसर साहिब भी इसे नाम के सरोवर के कंडे स्थित है। हरिमंदर साहिब तो उत्तर पूर्व विच स्थित ये वो स्थान है जिथे गुरु अर्जन देव जी एक साल तो वध समय लई अपने ग्रंथी महान संत भाई गुरदास नाल पवित्र आदि ग्रंथ का संकलन करन लई एकांत विच चले गए सन। ये पवित्र ग्रंथ 1604 विच पूरा किया गया सी। हरिमंदर साहिब विखे उचित सम्मान अते रस्मां नाल स्थापित किया गया सी। इस पवित्र ग्रंथ विच गुरु अर्जन देव जी ने पहले चार गुरुआं अर्थात श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी अते श्री गुरु अर्जन देव जी दियां अपनी बाणी दे नाल नाल हिंदू अते मुस्लिम रहस्यवादी संतां दियां लिखतां विचों बाणी इकट्ठी कीती सी। इस पवित्र आदि ग्रंथ नूं संगीतक उपावां जां नोटां दे अनुसार व्यवस्थित कीता गया सी, जिस विच बाणी नूं गाया जाना सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस पवित्र ग्रंथ नूं गुरु दा दर्जा दित्ता सी। 7 अक्तूबर 1708 नूं जोती जोत समाउण तों पहलां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बुद्धि विच ऐलान कीता, गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु दी प्रतख मूरत वजों स्वीकार करो। जिन्हां दे हिरदे शुद्ध हन उह शब्द विच सच लभ सकदे हन। ये 10वें गुरुदास सिखां लई आखरी हुक्म सी। उन्होंने धर्मप्रस्त उत्तराधिकारी नूं खत्म कर दिता अते सिखां नूं भविख विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपने इको एक गुरु वजों वेखण दा आदेश दिता। यह उस स्थान की महत्ता है जिथे इस पवित्र ग्रंथ नूं गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया सी। गुरद्वारा रामसर चार दीवारी वाले शहर के दक्षण पूर्वी पासे चाटी विंड गेट के नेड़े रामसर सरोवर के कंडे ते है। हरिमंदर साहिब के संपूर्ण होने तो बाद गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ पवित्र ग्रंथ जो हुण गुरु ग्रंथ साहिब वजों सत्कारिया जाता है उसके संकलन का बीड़ा चुकया। उस समय चुनी गई जगह कस्बे की हलचल तो 1 किलोमीटर दूर एक शानदार नुक्कर सी। आले दुआले नूं होर अनुकूल बनाउण लई उन्होंने एक सरोवर बटवाया सी जिसका नाम गुरु रामदास जी के नाम से रामसर रखा गया सी। इत्थे गुरु अर्जन देव ने अपनी प्रसिद्ध बाणी सुखमनी साहिब की भी रचना की। इस गुरद्वारा साहिब का प्रबंध श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चला रही है। गुरद्वारा प्रबंध लहर समय यह प्रबंध श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पास आया सी। इस स्थान की पवित्रता ते इतिहासकता नूं सन्मुख रखदिआं कमेटी ने स्थान ते बहु मंजली यादगारी गुरद्वारे नूं उसारन दा इतिहासिक फैसला कीता सी। हुण गुरद्वारा रामसर साहिब दी बहु मंजली इमारत दूर तो दिखाई दिंदी है। इस स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पहला प्रकाश गुरपुरब अते शहीदी दिहाड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी विशेष रूप विच मनाया जांदा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मौजूदा समय के विच भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपां की छपाई मर्यादा अनुसार ऐसी जगह पर होती है।
इस इतिहासक गुरुद्वारे दे तहखाने विच कमेटी वालों गोल्डन ऑफसेट प्रेस लगाई गई है, जिथे पावन स्वरूपां दे नाल नाल गुरमती साहिब की छपाई वड्डी पत्तर ते कीती जांदी है। इस गुरद्वारा साहिब दे नेड़े ही शहीद बाबा दीप सिंह दा गुरद्वारा शहीद गंज साहिब विच स्थित है। अमृतसर विखे सुशोभित होने कारण गुरद्वारा रामसर साहिब दे नेड़े ही दरबार साहिब, अकाल तख्त साहिब अते होरना कई इतिहासक गुरद्वारा साहिबाना दे दर्शन कीते जा सकते हैं। इस गुरद्वारा साहिब विखे दर्शन करन आउण वाले श्रद्धालु वाघा बॉर्डर अते अमृतसर विखे बनाया गया साडा पिंड भी देख सकते हैं। अमृतसर विखे ही हुण सरकार वल्लों गोबिंदगढ़ किला अते वार मेमोरियल भी बनाया गया है।